जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम लोग क्लास टेंथ के मैथ का मॉडल पेपर का सेकंड सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सेट आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करके पूरा का पूरा खत्म करके दिखा दिए थे, एकदम मतलब अपलोड कर दिए हैं वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। और यह गारंटी है बेटा, अगर आप लोग मन से मेहनत के साथ पढ़ रहे हो तो 100 में 100 मैथ में ला के दिखाओगे सबको। तो ठीक है, आ जाओ बेटा, दूसरा सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों का मैथ तैयार हो गया अच्छे से तो जितना मॉडल पेपर हो सके उतना आप लोग सॉल्व करो, बेकार की बातें मत करो, टाइम पास मत करो, क्योंकि अब पेपर सर पे है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है बाबू, इसमें आप लोग पता है बाबू कि 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। हम हर एक क्वेश्चन लगवाएंगे ध्यान से, आप लोग साथ में मेहनत से लगाओ। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, क्या बताना है बेटा, परिमेय संख्या कौन सा। अंडर रूट 9 दिया बेटा, अंडर रूट 3 दिया, अंडर रूट 0.1 दिया, 0.10110 ऐसे करते हुए गया। तो बाबू इसमें सिर्फ देखोगे अंडर रूट 9 का वर्गमूल अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा, 3 होगा। होगा बाबू, तो केवल 3 ही प्रमेय संख्या होगी और कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर होगा। और सबके सब क्या होंगे बेटा, अपरिमेय होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा परिमेय। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू समीकरण युग्म, एक समीकरण युग्म एक्स प्लस वाई बराबर 10 और क्या दिया बेटा, एक्स माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो बेटा क्या करना है, हल बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बस मिनटों में कर लोगे, एक बार नजर घुमाओगे और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्या दिया बेटा, एक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया है। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर एक। और क्या दिया बेटा, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब बेटा इसमें क्या पूछा है, कह रहा है का हल है, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर दो। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे एक वाई है, यहाँ पे भी एक वाई है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। इतना समझ में आया मेरे जिगर के छल्ला, मेरे रसगुल्ला। तो क्या करो, दोनों समीकरण को बेटा जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो क्या होगा ध्यान देना, माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा और बराबर 10 4 कितना होगा बेटा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा बेटा, 14/2, 2 7 14, यक्स का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स का मान बेटा मेरे रसगुल्ला चाहे समीकरण एक में चाहे समीकरण नंबर दो में उठा के रख देना। तो रखोगे यक्स का मान कहां पे, समीकरण एक में रखने पर। तो जब रखोगे बेटा तो कितना है, यक्स प्लस वाई बराबर 10, यक्स का मान 7 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर बेटा 10 माइनस 7, वाई का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, 7 कामा 3 आ जाएगा इसका हल। दिया बाबू कहीं पे 7 x = 7 y = 3 दिया बेटा, x बराबर 7 और y बराबर 3, ऑप्शन नंबर बेटा बी क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा बेटा इसका, x का 7 y का 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है बाबू, चलें अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, लगाते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तुरंत हो गए। हाँ आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है तीसरा भी। क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, 5.59 की वाई एच से दूरी है। तो बेटा 5.9, ठीक है, वाई एच से दूरी अगर पूछ रहा है बेटा, वाई अक्ष से दूरी, ध्यान देना वाई एच से दूरी, तो क्या होगा बेटा, तो हमेशा लिखना यक्ष का निर्देशांक। ठीक है बेटा, यक्ष का निर्देशांक। ठीक है बेटा, इसमें देखना बाबू, ये यक्ष का निर्देशांक होता है, ये वाई का होता है, पहला यक्ष का होता है, दूसरा वाई का होता है। ठीक ठीक है, अगर बेटा यक्ष अक्ष से दूरी पूछ ले, क्या पूछ ले, यक्ष अक्ष से दूरी, तो यक्ष अक्ष से दूरी क्या होगा बेटा, हमेशा बेटा वाई का निर्देशांक होगा। ठीक है, क्या होगा, y का निर्देशांक। अब पूछा क्या बेटा, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होगी बेटा, यहाँ पे x का निर्देशांक मतलब 5 हो जाएगा, 5 मात्रक। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, 5 मात्रक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 4 पे, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी कड़ की लंबाई बताइए।
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो बेटा समद्विबाहु भी बोला है, समकोण बोला है, तो मतलब उस त्रिभुज में कर्ण की भुजा अलग होगी और दोनों भुजा सेम होंगे। तो यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला है बाबू। तो यह कितना होगा? 90 अंश होगा। इतना समझ में आया मेरे रसगुल्ला? कितना का? एक भुजा पांच करड़ी में दो, एक भुजा पांच करड़ी में दो। तो बेटा मेरे रसगुल्ला, जब यह भुजवा इसके बराबर है तो इसकी इसकी भी लंबाई या इसी के लंबाई के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा पांच करड़ी में दो। अब क्या पूछा बेटा? कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण क्या होगा बेटा? एसी, एसी होगा। एसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। कर्ण AC है, AC का स्क्वायर। AB कितना बेटा? पांच कर्णी में दो का स्क्वायर, और प्लस यह भी है बेटा पांच कर्णी में दो का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर, पांच का स्क्वायर बेटा 25, कर्णी में दो का दो, पांच का बेटा 25, कर्णी में दो का दो। तो AC का स्क्वायर बराबर 25 दूनी 50 और प्लस 50, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा? 100। तो AC का स्क्वायर बराबर 100, तो AC बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा। आज समझ में? तो कर्ण की लंबाइया कितनी होगी बाबू मेरे रसगुल्ला? 10 सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर होगा बेटा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे रसगुल्ला, समझ में आया? चलो आप लोग नोट करो बाबू, चार क्वेश्चन हो गए, इसको हम मिटा रहे हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ जाओ पांच नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है बाबू? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 का मान बताओ। क्या बताना बेटा? साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का मान बताना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन कहीं पे दे, चाहे इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, दोनों में से एक को चेंज कर सकते हो। ठीक है बाबू, इसमें देखो इसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 18 को रहने दे रहे हैं, माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 18 कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा ही आएगा। हम क्या किए? कॉस में से क्या किए? कॉस वाले को ही चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस 18 कर दे रहे हैं, आएगा बेटा। यह साइन है तो साइन स्क्वायर 18 रहने दो बेटा, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 बेटा। या प्लस में है माइनस में, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ऑप्शन कोई दिया है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? किसी धनात्मक सम पूर्णांक पी के लिए, बेटा धनात्मक सम पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। सम पूर्णांक क्या होगा बेटा पी के लिए? अगर देखो पूर्णांक पी है तो सम पूर्णांक क्या होगा बेटा? 2p हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा बेटा? 2p + 1 का रूप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई दिया है बेटा 2p + 1? डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे। सातवां क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बेटा, यदि संख्याओं 7, 8 x, 11, 14 का माध्य x है। ठीक है बेटा, संख्या दिया है 7, 8, 11 और क्या दिया है बेटा? 7, 8, x, 11 यहाँ पे x है बेटा, x, 11, 14 यही है बेटा का माध्य x है। का माध्य, माध्य क्या है बेटा? यक्ष है। तो क्या कह रहा हमसे? यक्ष का मान, यक्ष का मान पूछा है। तो बाबू माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है, ध्यान देना, माध्य, माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों का, पदों की संख्या, यही होता है बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब बेटा ध्यान देना, माध्य कितना है? यक्ष है, तो यक्ष हो गया पदों का योग। पद कितना बेटा? यहां पे देखना, 7 + 8 + x + 11 + 14 ये हो गया बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पे हो जाएगा 5। ठीक है, 5 का गुणा इसमें करोगे 5x होगा बेटा, 5x बराबर। एक चीज ध्यान देना यहां पे बाबू, 8, 7, 15 और 11, 14, 25, 15, 40 हो जाएगा 40 + x। इसको इधर कर दो बेटा, तो 5x - x = 40, तो यहाँ पे बचेगा 4x = 40, तो x बराबर बेटा 40/4, 4 × 40, तो x का मान हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई है बाबू सातवां में? 10, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू ये समझ में, इतने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप लोगों को आ गए होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट भी
नहीं हुआ है। ठीक है, ना जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान है तो सी का मान बताइए। देखना बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, मूल समान है, मूल समान होगा बेटा तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी, मतलब डी का मान क्या होगा जीरो होगा। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो मूल समान होने के लिए बेटा क्या होगा, मूल समान, मूल समान के लिए बेटा डी बराबर जीरो, और डी का फार्मूला क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। इसी को बोलते हैं बेटा विविक्तकर, क्या बोलते हैं विविक्तकर बोलते हैं। तो अगर हम देखें बाबू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, तो देखना सी का मान निकालना है, एक काम करो बेटा इसको इधर कर दो, तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, या हम लिख सकते हैं बेटा फोर ए सी बराबर बी स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। सी का मान मत निकालना है तो ध्यान देना, सी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर ए फोर ए बेटा गुड़े में इधर आएगा बटे में, ये हो जाएगा सी का मान। आया समझ में, आठ नंबर में बी स्क्वायर अपान फोर ए डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देते हैं पहले फिर चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं बेटा। आ जाओ आगे, क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर नौ, देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन कह रहा बाबू दिए गए चित्र में, एक चित्र दिया बाबू, इसमें एक त्रिभुज ए बी सी डी ई है बेटा, ऐसे एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे, ठीक है बाबू, ए और क्या दिया यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, और यहां से इसको बेटा मिला दो, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी है बेटा, यहाँ पे ई है। ठीक है, इसके बाद बाबू क्या कहा है, यह है एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री यही है बेटा, और यहाँ पे बेटा यक्स, यहाँ पे क्या है यक्स है इतना। उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फोर, ये वाला है बेटा थ्री एक्स प्लस फोर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा थ्री एक्स प्लस नाइनटीन, थ्री एक्स प्लस नाइनटीन। क्या कहा है बाबू, कहा है कि ए ई बराबर यक्स और ई सी बराबर इतना, डी ई समांतर बी सी, बेटा दिया है डी ई समांतर बी सी, यह क्या किया बेटा दिया है। ठीक है बाबू, अगर यहाँ पे देखा जाए डी ई समांतर बी सी तो यक्स का मान बताइए, तो क्या करना है बाबू, यक्स का मान बताना है। तो बाबू समांतर होता है, अगर यह रेखा इस रेखा के समांतर हुई, इसका अनुपात जो होगा बेटा, इसका अनुपात इसका बराबर इसके अनुपात इसका हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो पूरे समरूप त्रिभुज सिद्ध करोगे तो उससे बेटा ए डी का अनुपात अपान ए बी का अनुपात होगा, ए ई का अनुपात अपान ए सी का अनुपात होगा। ठीक है बेटा, वही होगा, तो यहां से क्या करोगे आप लोग, हो जाएगा ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी करोगे बेटा। ए डी का मान कितना है, एक्स प्लस थ्री, डी बी का मान कितना बेटा तीन एक्स प्लस उन्नीस, और इसका कितना बेटा ए ई का एक्स तीन एक्स प्लस चार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एक्स प्लस तीन और यहां पे थ्री एक्स प्लस फोर इजकल टू एक्स, यहां पे थ्री एक्स प्लस नाइनटीन। ठीक है, आ जाओ आगे, इसका इसमें गुणा करोगे बेटा तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तीन एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का चार में करोगे बेटा चार एक्स हो जाएगा, और प्लस तीन का तीन में करोगे तीन एक्स में, तीन त्रिक का नौ एक्स, और प्लस तीन का बेटा चार में करोगे बारह हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे बराबर, इसका करोगे यक्स का तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन यक्स, थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, यक्स बेटा इधर भी है और माइनस में तो कुछ था नहीं, तो नौ चार कितना हो जाएगा बेटा तेरह एक्स, यहाँ पे हो जाएगा तेरह यक्स प्लस बारह बराबर उन्नीस यक्स, तेरह एक्स को उधर कर दो बेटा बारह बराबर उन्नीस यक्स माइनस तेरह यक्स, तो बारह बराबर बेटा तेरह छह उन्नीस छह एक्स होगा, तो छह एक्स बराबर बारह, तो एक्स बराबर बेटा बारह बटे छह, इसको काटोगे कितना आएगा छह दूनी बारह, एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा दो आ जाएगा, तो एक्स का मान दो, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दस पे देखते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक से दस तक की धनात्मक सम संख्या का समांतर माध्य होगा, बेटा एक से दस तक की धनात्मक सम संख्या दो होगा, चार होगा, छह होगा, आठ होगा, दस होगा। ठीक है, तो समांतर माध्य आपको पता है पदों का योग बटे पदों की
संख्या, यही होता है क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है बेटा, तो समांतर माध्य क्या होगा बेटा, माध्य लिख दे रहे हैं, पदों का योग कितना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे पदों की संख्या कितना है बेटा 1 2 3 4 5 हो जाएगा बाबू। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बटे 5 5 6 30 तो माध्य कितना होगा बेटा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कोई दिया बाबू, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है बेटा 11 नंबर भी देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, संख्या 156। अब बेटा 156 का अभाज्य गुणनखंड तो बहुत ही जी है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो, 2 7 14 2 8 16 फिर 2 से करोगे 2 3 6 2 9 18 फिर 3 से करोगे 13 3 39 फिर 13 से करोगे बेटा 13 1 13 हो जाएगा 2 पे 2 × 3 × 13 ये हो जाएगा बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे 2 × 3 × 13। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे मेरे रसगुल्ला, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रम से 24 12 है, माध्य दिया बेटा कितना दिया है, माध्य दिया है बेटा 24 और बहुलक दिया है बेटा, बहुलक कितना दिया है बेटा 12 दिया है, तो माध्यिका या माध्यक यही बोलेगा बेटा, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो बात एक ही है, क्या करना है माध्यक निकालना है। ठीक है बेटा, माध्यक निकालना है, फार्मूला बेटा ये रट लो क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, एक नंबर में आएगा कंफर्म है एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इसी बेस पे और भी बड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है बेटा 3 × माध्यिका लिखो या माध्यक लिखो, ठीक है, -2 × क्या बेटा माध्य। अब बहुलक कितना बेटा 12 है, 3 × माध्यक कितना है बेटा नहीं पता निकालना है, माध्यक -2 × माध्य कितना बेटा 24 हो जाएगा, क्या होगा 24, तो 12 बराबर 3 × माध्यक -24 × 48 इधर आएगा बेटा 48 प्लस हो जाएगा 12, 48 × 12 कितना होगा बेटा 60 बराबर 3 × माध्यक हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो यहां से काटेंगे बेटा 20 आएगा, तो माध्यक बराबर अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 20 आंसर होगा। ठीक है, 20 दिया ऑप्शन में बाबू, ऑप्शन नंबर 20 बी ऑप्शन क्या होगा बेटा राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो 12 क्वेश्चन हम लोग देखते देखते यू कर गए। हाँ आ जा बेटा इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पत्थर से जिसको बनाया सनम क्या से क्या हो गए देखते देखते। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 13, यही तो ललकार है एक एक क्वेश्चन के। क्या बेटा कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण 2x रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5 4x + ky = 10 क्या दिया बेटा 2x + 3y = 5 मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, और क्या दिया है 4x + ky = 10 समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान बताइए। यहां से अगर बाबू देखोगे तो a1 का मान होगा बेटा 2 और B1 का मान होगा 3, C1 का मान होगा 5, A2 का मान होगा 4, B2 का मान होगा K, C2 का मान होगा 10। ठीक है बाबू, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 यही बोले थे बेटा। कितना होगा 2/4, 3/K और क्या होगा बेटा 5/10। ठीक है, तो बेटा इसको काटोगे इसको काटोगे सेम आएगा। ठीक है, मन करे काट दो, 2 × 4 = 5 × 10 आ जाएगा 1/2, 3/K और 1/2। बेटा अब देखो ए आ गया, इसमें से चाहे आप इसको इसको उठा लो के का मान निकल जाएगा या इसको इसको उठा लो के का मान निकल जाएगा। ठीक है, हम उठा रहे हैं 1/2 = 3/K क्योंकि दोनों साइड में वही है,
तो के का मान इधर है, के कम के, तीन दोनी छह, के का मान कितना आएगा बेटा, छह आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या कह रहा है 14 हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, यहां पे हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि यदि m बराबर 5 हो, क्या दिया बेटा, m बराबर 5। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बेटा, n बराबर m प्लस 7 हो, n बराबर हो बेटा m प्लस 7, तो m का मान 5 प्लस 7, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा बेटा, तो इन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा, तो इन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। ध्यान देना बेटा, इन अंडर रूट m का मान कितना बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस n कितना बेटा, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का कितना होगा 25, 12 पर ही हम 144, तो 25 12 144 169 बेटा कितना आएगा इसका मान, 13 आएगा। ठीक है, 13 है बाबू, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लोगे बेटा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उम्मीद कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है cos a बराबर 7/25, तो tan a cot a का मान होगा। ठीक है बेटा, cos a बराबर 7/25। ठीक है बेटा, हमसे क्या पूछा, tan a प्लस cot a का मान क्या पूछ रहा है बेटा, tan a प्लस cot a का मान यही पूछा है बेटा। एक चीज ध्यान देना, cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, फार्मूले पे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसको साइन बटे कॉस करोगे, कॉस बटे साइन करोगे, दोनों का आपस में गुणा करोगे, कॉस का मान पता है, साइन का मान निकाल लोगे, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर दें या डायरेक्ट कर दें, देखना। चलो ऐसे कर दे रहे हैं बेटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है बाबू, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए, क्या बनाए, एक समकोण त्रिभुज बनाए, ध्यान देना, ये मान लिया बेटा क्या है, थीटा है, तो ये लंब होगा बेटा, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, तो बेटा आधार कौन सा होगा, यह होगा, और कर्ण क्या होगा, यह हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इसका मान हो जाएगा बेटा, और 25 इसका मान हो जाएगा। तो बेटा 25 और 749 मतलब 576, लंब कितना होगा बेटा, 24 होगा। एक चीज ध्यान देना, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना। ठीक है, तो लंब हो गया कितना, 24, तो टेन थीटा बराबर होता है बेटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बेटा, हो जाएगा 24 बटे कितना, 7 है, 24 बटे 7 यही होगा बेटा, लंब 24 7, और कॉट क्या होता है बेटा, इसका उल्टा, कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा बेटा, आधार बटे लंब होता है, क्या हो जाएगा 7/24 हो जाएगा। अब बाबू हमें निकालना है टेन ए, यहां पे ए रख दो, ए यहां पे भी ए रख दो। ठीक है बेटा, तो इसके लिए यहां पे सी रखना, क्योंकि इसके हिसाब से निकाले हो ना, यहां पे ए कर देना, तब भी तभी बराबर होगा। ठीक, हम थीटा रखे थे, टेन ए प्लस क्या होगा बेटा, कॉट ए का वैल्यू, तो जब निकालोगे टेन ए का मान 24/7, और प्लस यह कितना है बेटा, 7/24 हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से करोगे बाबू, 7 24 × 24 हो जाएगा, 24 × 24। ठीक है, और यहां पे 7 × 7, यहां बेटा दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, तो 24 24 सही, हम 576, और प्लस यहां पे कितना होगा बेटा, 7 × 7 = 49, यहां पे करोगे 7 × 4 = 28, और 7 × 2 = 14 = 16, 625/168 क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो इतना कर लोगे आप लोग, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन हो गए, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या क्या बेटा, R1 बराबर 4 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या बेटा, R2 मान लिया बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो बेटा इनके योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या, मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा, क्या होगी, कैपिटल R होगी। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का होगा पाई R2 स्क्वायर, और जो बड़ा होगा बेटा, जो बनेगा इन दोनों से, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से बाबू पाई कॉमन ले लेते हैं,
तो पाई कॉमन लेंगे तो आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, इससे यह कैंसिल। आर वन कितना बेटा चार है, तो चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, चार चौके सोलह, तीन त्रिका नौ बराबर आर स्क्वायर, सोलह नौ बेटा पच्चीस बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा पांच। परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी बेटा पांच सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सोलहवां नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया सोलह हो गया, सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सत्रहवां क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, सोलह नंबर आप लोग कर लिए, आ जाओ बेटा सत्रह नंबर क्वेश्चन पे। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन के मूल हैं बराबर जीरो के मूल है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, यही है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर जीरो इक्वल टू जीरो के मूल है बेटा। तो द्विघात समीकरण दो मूल निकलेगा ही निकलेगा, क्या करना बाबू इसको दस को ऐसे तोड़ो दो भागों में, गुणा करने पर माइनस दस आए, जोड़ने घटाने पर माइनस तीन आए, तो माइनस पांच प्लस दो माइनस तीन माइनस पांच गुणे दो हो जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस दो एक्स माइनस दस बराबर जीरो, एक्स कॉमन लेंगे बेटा एक्स माइनस पांच प्लस दो कॉमन लेंगे बेटा एक्स माइनस पांच बराबर जीरो, दोनों में से बेटा एक्स माइनस पांच कॉमन दिख रहा है, बचेगा एक्स प्लस दो बराबर जीरो। तो अगर हम देखें बेटा एक्स माइनस पांच बराबर जीरो ले लें तो एक्स बराबर कितना होगा पांच होगा। ठीक है, और एक्स प्लस दो बराबर जीरो ले लें तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा। ठीक है, सत्रह नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा, पांच कामा माइनस दो या माइनस दो कामा पांच दिया होगा, पांच कामा माइनस दो, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ बेटा अठारहवें पे, क्या कह रहा अठारहवां नंबर क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा यदि समतल पर एक मीनार की छाया, यहां पर कर दे रहे हैं बेटा अठारह। ठीक है, अठारह नंबर क्या कह रहा बेटा, यदि समतल पर एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की अंडर रूट तीन गुनी है। मान लिया बेटा एक मीनार है, ये उसकी छाया है। ठीक है, क्या है ये, मान लिया ए है, यह बी है, यह सी है, इसकी ऊंचाई एच है बेटा, तो इसके तीन गुनी अंडर रूट थ्री एच हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नब्बे अंश होगा। और क्या कह रहा बाबू, तीन गुने सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य का उन्नयन कोण अगर देखा जाए बेटा, यहां से सूर्य का उन्नयन कोण देखोगे तो टेन थीटा बराबर लगाओगे बेटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो एच बटे इन अंडर रूट थ्री एच होगा, इससे यह कैंसिल होगा बेटा, तो टेन थीटा बराबर एक बटे करड़ी में तीन होगा, तो टेन थीटा बराबर कितना बेटा टेन तीस अंश का मान होता है एक बटे करड़ी में तीन, यहां से तुलना करके निकालोगे थीटा का मान जो आएगा बेटा तीस अंश आ जाएगा। ठीक है, तीस अंश आया कहीं पे कि नहीं आया, आया बेटा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। और अठारह के बाद बेटा आता है क्वेश्चन नंबर उन्नीस। 19 नंबर क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन, 19 नंबर कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धात्विक ठोस गोले को पिघलाकर बनाए गए बेटा एक बेलन है, ठोस बेलन, वो बेलन बोला बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कहा है 4 सेंटीमीटर व्यास, इसकी व्यास दिया है बेटा डी दिया है, स्मॉल डी लेना, व्यास कितना दिया है बेटा 4 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा दो सेंटीमीटर। ठीक है, आर हो जाएगा दो सेंटीमीटर। अब कहां गया, पिघलाकर ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए छह सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले की संख्या बताइए। ठीक है बेटा, गोले का व्यास दिया, क्या दिया बेटा गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना दिया है बेटा, मान लिया कैपिटल डी बराबर छह सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर तीन सेंटीमीटर, यही होगा बेटा छह सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो मान लिया बेटा कितने गोले बनेंगे यन, तो यन गोले का, यन गोले का आयतन जो होगा बेटा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन का आयतन। ठीक है बेटा, तो गोला कितना यन है, यन गोले का आयतन चार बटे तीन पाई आर क्यूब, और बेलन का बेटा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल, यन गुड़े चार बटे तीन गुड़े आर क्यूब, बेटा पता है हमें ना कितना है तीन है ना, तीन गुड़े तीन बराबर आर स्क्वायर कितना बेटा दो गुड़े दो, एच कितना बेटा पैंतालीस है। ठीक है,
अब यहां से अगर काटें बाबू तो देखना, तीन से पंद्रह तीन पैंतालीस हो जाएगा बेटा, फिर तीन से पांच तीन पंद्रह हो जाएगा बाबू, और यहां से तीन कैंसिल, ठीक है बेटा। दो दूनी चार, देखो दो दूनी चार से चार कैंसिल, यहां से पूरा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया बेटा, सिर्फ बचा है पांच, तो यहां बराबर कितना होगा पांच। कितने गोले बनेंगे बेटा, ऐसे पांच गोले बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, आप लोग आराम से कर लोगे। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन भी लगाते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं बाबू, मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, मतलब बीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बीसवां नंबर क्वेश्चन, बीस नंबर क्वेश्चन। आ जाओ, मार्कर बहुत हल्का चल रहा है ना, ठंडी की वजह सब जम जा रहे हैं, ठंडी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। क्या कह रहा बाबू, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस पी बराबर जीरो का एक मोल माइनस दो है तो पी का मान बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स, प्लस दो एक्स माइनस पी बराबर जीरो का एक मूल बेटा दिया है माइनस दो, तो मतलब एक्स बराबर माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। तो पी का मान, तो एक्स की जगह बेटा माइनस दो रखो, माइनस दो का स्क्वायर प्लस दो गुड़े माइनस दो माइनस पी बराबर जीरो, तो बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस दो का चार, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे बेटा क्या था, दो दूनी चार हो जाएगा, ठीक है। माइनस पी बराबर जीरो, इससे बेटा जीरो हो जाएगा, माइनस पी बराबर जीरो तो पी बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का बेटा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एकदम पूरा एकदम तहलका मचा के तैयारी करोगे और गर्दा ही गर्दा उड़ाओगे, ठीक है। इसको नोट करो आप लोग, फिर देखते हैं आगे क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या सॉल्व किया जाए, ठीक है बेटा। आ जाओ बेटा, खंड ब, खंड अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब देखते हैं खंड ब क्या कह रहा, खंड ब भी सॉल्व करते हैं। एक मिनट बेटा रुक जाना आप लोग, थोड़ा सा इंक डालें, नहीं तो एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं तब इंक डालते हैं। क्या कह रहा बाबू, सभी खंड कीजिए, ठीक है। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, फिर इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर बेटा, दूसरे का ए दिया है ना, दूसरे का ए कहा है बाबू कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 यही है, का विविध कर ज्ञात कीजिए, मतलब बेटा हमें डी निकालना है, क्या निकालना है डी, और डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है बाबू। यहां से ए का मान होगा चार, बी का मान माइनस छह, सी का मान पांच, तो क्या करना है बेटा डी निकालना है, तो बी स्क्वायर क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, ठीक है बाबू। तो डी बराबर या लिख लो क्या होगा, डी बराबर लिखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे b का माइनस छह का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान चार, c का मान पांच, तो d बराबर माइनस का प्लस छह छवा के छत्तीस, ठीक है बेटा। चार चौके सोलह, सोलह पचे अस्सी, ये होगा बेटा, इतना ही दिया है, ठीक है। अब बाबू यहां से जब निकालोगे d बराबर, दस में से छह गया चार, और यहाँ पे सात में से तीन गया, कितना बचेगा चार बच जाएगा, और क्या होगा बेटा माइनस चौवालीस आएगा, क्या आएगा बेटा माइनस चौवालीस, तो जब माइनस में आ जाता है बेटा तो क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। क्या होगा बेटा, मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। अगर बेटा डी बराबर जीरो आ जाता, मतलब इसका मान कितना आता, जीरो आ जाता, तो क्या होता बेटा, दो बराबर मूल होते, क्या होते बेटा, दो बराबर मूल। अगर डी का मान क्या होता बेटा, जीरो से बड़ा आ जाता, ये तो d का मान जीरो से छोटा है ना, जीरो से बड़ा आ जाता बेटा, दो वास्तविक मूल होते लेकिन दोनों भिन्न भिन्न होते, आए समझ में। तो चलो इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इतना आप लोग नोट कर लो। आ जाओ इसी में क्वेश्चन नंबर बी पे, बी वाला क्या कह रहा है, ठीक है। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा के युग्म बनाइए, रचना कीजिए, रचना के पद संक्षेप में लिखिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिखिए खींचिए, ठीक है बेटा। क्या क्या है,
ऐसे बेटा सबको देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लिया, एक वृत्त खींच दिए बेटा, यह क्या है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया इसका केंद्र ओ है, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या कहा है कि इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, मान लिया बेटा इसका केंद्र क्या है ओ है, इससे 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित एक बिंदु क्या है बेटा यहाँ पे पी है, ठीक है। अब क्या करना है बाबू, वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है, तो क्या करना बाबू ऐसे करोगे अगर, अब बाबू ये जो रेखा है ओ पी 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका अर्धक करना, मतलब प्रकार को 3.5 से 3.5 से ज्यादा खोल लेना, 4-5 कुछ भी खोल सकते हो, ठीक है। ऊपर एक चाप लगाना है इसे, नीचे और ऊपर भी एक चाप ऐसे लगाना, यहाँ पे प्रकार को रख के फिर यहाँ पे रख के इधर से और इधर से लगाना, और जहां से बेटा जाएगा इसे जाते हुए एक रेखा खींच देना, जहां पे दोनों चाप काटेगा बेटा इसको बिंदु कुछ मान लेना है, हम यम मान ले रहे हैं, यहाँ पे प्रकार रखना बेटा चाहे ओपी और चाहे एमपी, त्रिज्या लेके क्या करना एक वृत्त खींच देना, ठीक है। तो वृत्त खींचोगे बेटा कुछ ऐसे वृत्त जाएगा, कुछ ऐसे करके मतलब जैसे भी जाए, जहां पे दो बिंदु पे काटेगा बेटा एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, इसको मान लिया ए इसको मान लिया बी, अब इस बिंदु से यहाँ पे ऐसे बेटा ऐसे करके प्रकार स्केल से क्या करना दो स्पर्श रेखा खींच देना, खींच दोगे बेटा ए हो गया इस पर स्पर्श रेखा, ठीक है। उसके बाद क्या करना बाबू यहाँ पे रचना के चरण लिख देना, अगर रचना के चरण पूछा, रचना के पद संक्षेप में लिखिए, तो बोला बेटा तो सर्वप्रथम लिखना सर्वप्रथम या चरण नंबर एक, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, दूसरा बेटा वृत्त के केंद्र ओ से 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ओपी खींची, तीसरा चरण बेटा रेखा ओपी का अर्धक किया जिसका मध्य बिंदु एम है, ठीक है बेटा। अगला चरण चाहे एम ओ चाहे एम पी त्रिज्या लेकर बेटा एक दूसरी वृत्त खींची, अगला चरण बेटा दूसरा वृत्त पहले वृत्त को बिंदु ए और बी पे प्रक्षेप किया, ठीक है। अगला चरण उसके बाद लिखना इस प्रकार एपी और बीपी दो स्पर्श रेखाएं खींचे, बात खत्म, ठीक है। ऐसे ही करना रहेगा आप लोगों को, जो जो किए हो वही लिखते चले जाना, हो जाएगा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा बाबू कि cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 और sin a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, दोनों में अंडर रूट 3/2, तो a और b का मान बताना है, ठीक है बेटा। cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर एक, और क्या दिया है sin a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, sin a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, तो बाबू cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 कितना होता है बेटा, cos 30 अंश का मान होता है, तो यहां से देखोगे बेटा तुलना कर दोगे तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 अंश, इसको मत मानना समीकरण नंबर एक, इसको मान लेना, ठीक है बेटा। और यहां पे देखना sin a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2 कितना होता है बेटा, sin 60 का मान, तुलना करोगे बेटा a प्लस बी बराबर 60 अंश, इसको मान लिया समीकरण नंबर दो। बेटा यहाँ पे माइनस बी यहाँ पे प्लस बी है, दोनों समीकरण को उठाकर जोड़ दो, ठीक है। तो क्या करना एक प्लस दो कर देना, ठीक है, करोगे ए माइनस बी बराबर 30 अंश और ए प्लस बी बराबर बेटा 60 अंश, क्या करोगे बी से बी कैंसिल, 2 ए बराबर 90 अंश, तो ए बराबर बेटा 90/2 काटोगे कितना आएगा 45 अंश, तो ए का मान आ गया बेटा 45 अंश, ठीक है। और ए का मान समीकरण एक में उठा के रख देना, ए का मान कहां पे बेटा समीकरण एक में रखने पर, तो रखेंगे बेटा ए का मान समीकरण एक में कितना है, या नहीं तो समीकरण दो में रख देना सही रहेगा बेटा, ए प्लस बी बराबर 60, ठीक है। ए का मान आया 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर बेटा 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा, बी का मान 15 अंश, ठीक है, तो बी का मान कितना आएगा बाबू 15 अंश आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आज बेटा यहीं पे इतना क्वेश्चन लगा के रहने देते हैं, इसके आगे जितना भी क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में अगले वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है बेटा, अपलोड करने बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और
सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।